क्रॉस ओटीटी सीजन 2 का वीकेंड का वार कल हमने देखा, जिसमें सलमान खान ने सबसे पहले जिया की क्लास लगाई, जिया को एक तरीके से एक्सपोज किया, जो भी साबुन वाला पानी जो उन्होंने पिलाया था एल्विश को उसे लेकर उन्हें डांटा। मनीषा को भी उन्होंने एक तरीके से लताड़ लगाई है। हालांकि इस चीज़ पर जो है वो व्यूअर्स जो हैं, जो मनीषा के फैंस हैं, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि जो मनीषा वाला मुद्दा था वो इतना रिलेवेंट नहीं था, ऐसा लोगों का कहना है। साथ ही एविक्ट कौन हुआ है इस पर आज हम बात करेंगे कि जो खबरें आ रही हैं, सो ये खबर आ रही है कि डबल एविक्शन हुआ है। जी हाँ, बिग बॉस के पूरे हफ्ते क्या कुछ हुआ है, वीकेंड का बार में क्या हुआ है, एविक्शन किसका हुआ है, किसका हो सकता है, इस बारे में अभी हम बात करेंगे। आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। सो बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 काफ़ी अच्छा चल रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं सीज़न को, और जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम देख रहे हैं 2 हफ्ते और ये शो जो एक्सटेंड हो चुका है। एल्विश को लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वोटिंग में देखा जाए तो एल्विश टॉप पर थे, जिया सेकंड नंबर पे थी। सो ऑफकोर्स एल्विश या जिया तो डेफिनेटली घर से बेघर नहीं होने वाले थे, तो सभी को पता था, सबको ऐसा लग रहा था कि घर से बेघर जो है आशिका भाटिया हो सकती है, क्योंकि आशिका कुछ इतना खास करती हुई नज़र नहीं आ रही है। हम उनके मुद्दे भी देखे, झगड़े भी देखे, तो ऐसा लग रहा है कि जब से उन्हें वीकेंड का वार, फर्स्ट वीकेंड का वार में जब कृष्णा अभिषेक आए थे, आशिका के फर्स्ट वीकेंड का वार में, तो उन्होंने काफ़ी कुछ उन्हें कहा था, बाकी घर वालों ने भी कहा था, बहुत रोई भी थी, उसके बाद से उन्हें लग रहा है कि वो सिर्फ बैठी नहीं रह सकती है, उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिसे लेकर हमने देखे कि अनवांटेड मुद्दे भी वो बना रही थी, अविनाश के साथ भी उनका झगड़ा हुआ था। हालांकि ये सब चीज़ें देख के लोगों को लग रहा था कि आशिका जो है वो वेस्ट है। साथ ही हमने जब पलक पुरस्वानी का इंटरव्यू किया था, आपने देखा होगा, सो पलक ने भी यही कहा कि आशिका को क्यों भेजा यार, उससे अच्छा मुझे वापस एज अ वाइल्ड कार्ड भेज देते, कुछ मसाला तो ज़रूर मिलता है। डेफिनेटली शायद मिलता भी अगर पलक को भेज दिया जाता, जिस तरीके से फलक नाज और अविनाश कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, पलक परसवानी ने उसे फेक बताया था हमारे इंटरव्यू में, वो कह रही थी कि उनको नहीं लग रहा है कि रियलिटी कुछ है, इसमें कुछ रियल है, उन्हें लग रहा है कि अविनाश गेम खेल रहे हैं और फलक को शायद ये चीज़ें पता नहीं है। उसके बाद शफक नाज ने भी कहा था कि उनका अविनाश का कुछ पास रहा है जो पलक बिल्कुल भी नहीं जानती थी, तो शायद वो जाती आशिका की जगह तो एक्चुअल में कुछ मसाला मिलता, ऐसा उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा था। सो आपको बता दें कि ये न्यूज़ आ रही है कि आशिका भाटिया आउट नहीं हुई है, हो सकता है इस वीकेंड में जो है वो डबल एविक्शन की भी बात कही जा रही थी, तो डबल एविक्शन भी हुआ है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें जैद हदीब जो काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कुछ हफ्तों से एकदम शांत हो गए हैं, इतना उन्हें लेकर कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, पहले उनका फ़नी पार्ट भी दिखता था, बहुत चीज़ें भी, लेकिन अब वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस होते जा रहे हैं, चीज़ों को लेकर ज़्यादा इतना दिख नहीं रहे हैं। सो कहा जा रहा है कि जैद हदीद आउट हुए हैं और फलक नाज जो है वो घर से बेघर हो गई है। वेल, आज के एपिसोड में पता चल जाएगा कि कौन बेघर हुआ है, लेकिन अभी तक तो यही खबरें आ रही हैं कि डबल एविक्शन हुआ है और जैद हदीद और फलक नाज आउट हो चुके हैं। ऐसा हुआ है तो फिर देखना है कि क्या होगा, बिकॉज अविनाश और फलक जो एक तरीके से इनका लव एंगल बन रहा था, बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है लव एंगल बन रहा होता है तो उसे और चलाया जाता है, खींचा जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन अभी फलक आउट हो गई है तो अब देखना है कि अविनाश का गेम कैसा होने वाला है। और आशिका भी घर में है, ये देखना है आशिका भी और क्या कुछ करती है। वीकेंड का बार में हमने सैटरडे को कल देख लिया है कि जिया को सलमान ने एक्सपोज कर दिया है, उन्होंने उसके साबुन वाले पानी वाले चीज़ पर उन्हें डांटा है। एल्विश तो अच्छा खेल ही रहे हैं, फुकरा इंसान भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, मनीषा रानी तो ऑफकोर्स सबकी फेवरेट बनी हुई हैं अभी भी, एंड या बेबिका भी, जिनके मुद्दे सबके साथ कुछ ना कुछ रहते ही हैं। सो अब देखना ये है कि आगे और क्या कुछ हमें शो में देखने को मिलने वाला है, बिकॉज अब और भी नई एंट्री होने वाली है, साथ ही अब फैमिलीज भी घर में आएंगी क्योंकि अब ज़्यादा दिन का शो बचा नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ देखने को मिलेंगी, और डबल एविक्शन होगा, मिड वीक एविक्शन भी देखने को मिलने वाला है। जो भी इफेक्ट हुआ है बहुत जल्दी हो सकता है हमारा उनसे इंटरेक्शन हो और वो भी हम आपको दिखाएंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए फिल्मी बीट के साथ। थैंक यू।